सत श्री अकाल। कुछ साथी जुड़ जाएंगे अपने नाल हजे, इस करके एक अद्धा मिनट वेट कर रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? आज पटियाले जा रहे हैं क्योंकि पटियाला अर्बन डीसीसी प्रोग्राम भारत जोड़ो दा मीटिंग, फिर पटियाला रूरल, फिर उस तो बाद बरनाला, फिर मानसा। अज चार जिलों के विच मीटिंग्स हैगियां और साढ़े जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने चार्ज लेना है, ते नाल ही भारत जोड़ो की असी मीटिंग करनी है जिहड़ी कि जनवरी के पहले हफ्ते पंजाब आएगी, यानी कि 8-9 तरीक के लगभग शंभू बॉर्डर से पहुंचेगी, जिहड़ी 8-9 दिन लगातार पंजाब दे विच रहेगी, ते जिहदे विच तुसी सारिआं ने शमूलियत करनी है। सो ये और कल नूं फिर फिरोजपुर, फाजिलका, सो इसे तरह यह सिलसिला जारी रहेगा। धुंद भी काफ़ी है बाहर, लेकिन चाहे धुंद है चाहे कुछ है, काम करना बड़ा जरूरी है। सो दूसरे पासे जो हालात हैं पंजाब दे, वो वेख रहे ने सानू। कल दा जिहड़ा मैं बाद वीडियोज़ देखियां शाम नू, क्योंकि कल मीटिंग्स दा सिलसिला सीगा, जिस प्रकार नाल साडे जीरे दे किसान भरावां ते और खास करके मेरियां मावां भैणां ते लाठी चार्ज किया गया, मैं समझदा कि ये मेरी नखेधी करदा है और मेरी निंदा करदा है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक कोर्ट दे ऑर्डर हैगे ने एंड कोर्ट दा इंटरफेरेंस हैगा, कोर्ट ने इस गल ते कॉग्निजेंस लिया है कि फैक्ट्री दे बाहर धरना ना लाया जावे। और जिथे मैं किसान भरावां नूं ये गल कहना कि क्या कल सानू कोर्ट दे ऑर्डरां दी तामील करनी पैनी आ, उहदे च कारण यह है कि उहदे च कारण यह है भी कोर्ट तो फिर वड्डा कोई नहीं है, सानू टेक्निकल कुछ लोग हायर करके सानू कोर्ट च भी जाना पैना है। जे असीं कोर्ट च नहीं जावांगे तो फिर कोर्ट च एक तरफा फैसला हो जाएगा जिहदे नाल सानू नुकसान होएगा। दूसरी गल, पुलिस ते सरकार उन्हां नाल गलबात दे राही धरना चुका सकदी सी बिल्कुल, क्योंकि थोड़े कोल कोर्ट दे ऑर्डर है, लेकिन अगर गलबात करदे कोई विश्वास दवाउंदे ते तरीके दे नाल तुसीं उह धरना चुका सकदे सी, तुसीं फड़ फड़ के लाठी चार्ज करके इस तरह कुटिया जिवें जानवर कुटदे है, चाहे दुश्मन भी होवे, आपां इस तरह नहीं किसे नूं कुटदे चंगे लगदे, इह तां पंजाब दे निवासी ने, पंजाब दे किसान है, उह मावां पैणा जिहड़ियां पीड़ा च ने, क्योंकि कोई ना कोई तो उन्हां दा दर्द होएगा ही, आसे पासे जिहड़ा एनवायरमेंट खराब होएगा, पानी खराब होएगा, इस करके वो इन्ने चिर दे बोले है, नहीं तो बोलते ना पहला भी फैक्ट्री लगी रही। फैक्ट्रियां लगनिया भी जरूरी ने, अगर असी फैक्ट्रियां ना आनियां तो बेरोजगारी वध जाएगी, पंजाब के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इहदे नाल पंजाब का भारी नुकसान आने वाले समय च हो जाएगा। मैं नहीं कहना भी फैक्ट्री दे धरना बंद करवानी है जां ताला लाउणा है, लेकिन सरकार दा फर्ज बनता है कि वह हुण इन्हां नूं बैठिआं नूं ही 3-4 महीने हो गए, वह 3-4 महीनिआं च कोई पुख्ता इंतजाम कर लेंदे, फैक्ट्री वाले नूं कुछ कहंदे भी आहदा हल कढो कढो, कोई माहिर सद्दे तां जो ग्राउंड जिहड़ा वाटर है जिहड़ा उत्थे एनवायरमेंट खराब हो रहा उह ना हुंदा, ते 3-4 महीनिआं दे विच कोई बंदोबस्त कीता होना चाहीदा सीगा या सरकार ने इंतजाम कर लिया। तुसी कहने पराली का एनवायरमेंट का काम है, असी उहदे ते जोर ला रहे हैं, इहदे ते मैनूं लगदा सरकार ने 4 महीने कोई तवज्जो नहीं दिती। सो दूसरी गल है, बिल्कुल कोर्ट दे ऑर्डर है, मैं किसान भरावां नूं बेनती करूंगा, लेकिन मैं पुलिस नूं बेनती करूंगा भी इहदा मतलब ऑर्डर है, तुसी बंदे मारने नहीं गए, कुटने नहीं गए। सो नाल ही जिहड़े तुसी परचे भी दर्ज कीते आ, तुसी धरना खत्म करता, उहनां लोकां नूं जिन्हां नूं जेलां च भेजिआ उहनां नूं छुड़वाओ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਰਤਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇ,
और फिर कमेटी ते सरकार ते फैक्ट्री आले तिन्ने बैठ के एर आप कोई इंतजाम कर देन। पहला ता सब तो पहला उना दा पर्चा कैंसल करो, दूजा मेनू लगदा कि सानू उना नू जेडे जेला च डके वे उना नू छड़ना चाहिए, छड़ाना चाहिए। तीसरा एक कमेटी बना के फैक्ट्री आले सरकार ते उत्थों दे लोकल किसान जिन्हां दा इह दर्द है उन्हां नू बना के इकट्ठे कमेटी बना दिओ। कमेटी एरे च गल कर ले ऑफिसर राजन कि इस समस्या दा असीं 2 महीनियां च हल कर देंगे। सो मैनूं लगदा दोवें काम हो जाणगे, फैक्ट्री भी ठीक हो जूगी ते किसानां दी मुश्किल भी ठीक हो जूगी ते गवर्नमेंट दी सरकार दी जिम्मेदारी हो जूगी। सो इह कार्ज और इह काम सरकार नूं करना चाहिए है। और किसी भी चीज का किसी नूं कुटना हल नहीं है, प्रप्पे नाल ही हल निकल सकता है। कल मैं बिल्कुल इस गल ते पहरा दे रहा, अज भी दे रहा कि असी पंजाब दे विच आने वाले समय च किते भी डेमोक्रेसी दे नाल असी आपदी लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़नी चाहिए है। मैं धरनाकारियों नूं नहीं कह रहा भी धरनाकारी गलत है, उन्होंने उन्होंने तकलीफ हुई तो धरना लाया, लेकिन इस तरह आम वारे हर चीज के मूहरे या इधर उधर उरे नाल फिर आने वाले समय च पंजाब दी इंडस्ट्री, पंजाब दी डेवलपमेंट ते काफी असर पाएगा। सो असी इस सारियां चीजां नूं ध्यान रख के, क्योंकि साडा 9 मास दा रिश्ता है हर व्यक्ति दे नाल। जे ऑटो भी बंद हो जाए ना शहर च चलने 2 जिहड़े ऑटो है तो उरे नाल भी विचारे जिहड़े यात्री हुंदे उन्हां नूं नुकसान हो जांदा है। किसी नूं नुकसान भी ना होवे ते एनवायरमेंट भी खराब ना होवे, दर्द भी ना होवे, सारे लोग सौखे तरीके नाल आपदे काम कार पूरे कर सकन, चाहे वह किसान है चाहे वह फैक्ट्री वाला है। ये सारिया गल्लां दा ध्यान रखते हुए इहदे ते सरकार तवज्जो दे। बाकी मैं उम्मीद करदा है कि पंजाब दे लोगां नूं कि 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे, कन्याकुमारी तो तकरीबन कश्मीर तक, जिहदे विच कन्याकुमारी तो कश्मीर तक यात्रा कर रहे ने, जिहदे विच सारी लोग जुड़ रहे ने। एक जिहड़ी यात्रा है कांग्रेस की यात्रा नहीं है, संविधान बचाओ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है। और मैनू लगता सुबह डेली 5 बजे उठ के 6 बजे सड़क ते आना ठंड च और 25 किलोमीटर रोज सफर तय करना यह कोई छोटी गल नहीं है। और मेरी बेनती है पंजाबियों नूं, चाहे वह किसी पार्टी नाल, किसी सोच नाल, किसी धर्म नाल जुड़े हुए रहे, असीं तुहानूं सारयां नूं सद्दा दिंदे हां कि तुसीं डेट तुहानूं दस दित्ती जाऊगी। असीं मिस कॉल नंबर भी आपका लॉन्च किया है, डेट भी थोनू असी दस देंगे आने वाले समय च भी इस डेट नू आ रहे जनवरी के पहले हफ्ते 8 दिन यात्रा यह लगातार रहेगी। सुबह ये यात्रा 15 किलोमीटर का पड़ा तय करया करेगी, फिर शाम वेले भी ये यात्रा 10 किलोमीटर का पड़ा तय करया करेगी, यानी 25 किलोमीटर पूरे करते हुए फिर असी माधोपुर बॉर्डर तक जावांगे ते जम्मू कश्मीर वालों ये यात्रा हैंड ओवर करांगे। उम्मीद करदा कि तुसी सारे इस यात्रा दे विच जुड़ोगे, इस यात्रा नूं प्यार दोगे। वड्डा हंगारा मगरले प्रदेशों च मिलिया, हुण ये यात्रा हरियाणे च प्रवेश कर चुकी है। सो सुबह दी यूपी जानी है, कुछ दिन दियां विच छुट्टियां ने ते फिर अपने पंजाब आएगी। सो सारे आपदी शमूलियत इहदे विच करोगे, उम्मीद करदा थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। हमेशा तुसीं मैनूं प्यार दित्ता है और मैनूं हमेशा प्यार दिंदे रहोगे। मैं केवल राजनीति नहीं करदा, मैं ये भी चाहना कि मेरा प्रदेश, मेरे प्रदेश के लोग, मेरे नौजवान भरा, कई गल्लां चंगी लगदियां कई नहीं, कि वह सूबा भी साडा तरक्की करे, क्योंकि सूबा हुण 18वें नंबर पर हो गया, साडा 18वें तो भी थले हो गया हुण। असीं ये चाहते हैं मोड़े सूबे नूं पहले नंबर पर लैके आना है, तो जे पहले नंबर पर लैके आना है इतों का किसान खुशहाल होना जरूरी है, इतों का मजदूर खुशहाल होना जरूरी है, इतों का व्यापारी खुशहाल होना जरूरी है, इतों के बेरोजगारी हटनी जरूरी है, इतों नशा मुक्त करना है पंजाब नूं, ते सब गल्लां नाल ही सूबा पहले नंबर पर आएगा। किसी चीज बिना नहीं सरदा पंजाब दे विच, ना इंडस्ट्री बिना, ना किसान बिना, ना मजदूर बिना, ना नौजवाना बिना, सारे इकट्ठे रल मिल के इस पंजाब नूं अगे लैके आना है। धन्यवाद, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं। मैं हुण पटियाले दे नेड़े पहुँच गया, सो उत्थे प्रोग्राम है, फिर गलबात करते हैं। धन्यवाद।